most influential actor television female. Teesra saal hai hamara abhi. Anupama is going to mark 3 years in July. Be a part of a successful show like Anupama is nothing but a dream come true. Mujhe sirf ye lagta hai ki hum log bahut blessed hain. I've had a field day playing this role because I am absolutely free. First of all, the congratulations, ma'am. Dekha ja raha hai, aap finally award jeet chuki hain. Kis category mein aapko ye award mila? So well, I have the most influential actor television female. So yeah, it's amazing. It's a beautiful title. So yeah, it's a blessed and a proud moment. Is look ke bare mein ek word mein aap kya kehna chahengi? Well, something I would love to wear because gold is my favorite color. And again, I have tried to do something different. So yeah, I'm loving the look that I'm wearing today. कैसा महसूस होता है एक ऐसे शो का पार्ट होने में जो मतलब काफ़ी पॉपुलर है, टीआरपी में भी हमेशा आगे रहता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. इट्स तीसरा साल है हमारा अभी. अनुपमा इज़ गोइंग टू मार्क 3 years इन जुलाई एंड अब तक कंसिस्टेंट है, हम नंबर 1 पोजीशन पर है. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एंड टू बी अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल शो लाइक अनुपमा इज़ नथिंग बट अ ड्रीम कम ट्रू. सो टच वुड. कभी बर्डन फील हुआ है कि एक ऐसे शो का पार्ट होने में, मतलब हमेशा जिस पे प्रेशर रहता है कि हमें ऐसा करना है वैसा करना? नहीं नहीं, इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है. इट्स इनफैक्ट प्रेशर एक्टर्स से ज़्यादा तो मेकर्स पर होता है. जो राइटर्स हैं हमारे, डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर है राजन सर, उन पर सारा एक्चुअल प्रेशर उन पर होता है बिकॉज वी हैव टू एग्जीक्यूट. बट दे आर द वंस हु आर राइटिंग एवरी थिंग. सो कमिंग अप विद डिफरेंट ट्रैक्स, कमिंग अप विद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जो स्टोरी का प्लॉट होता है, जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस इतनी एंगेज है अब तक हमारे साथ. सो या असली चैलेंज और असली हैट्स ऑफ गोज टू देम. ओके, लास्टली अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड थैंक यू फॉर लविंग काव्या. मेरा काम आप सबको पसंद आता है, दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी. थैंक यू. किसी OTT मतलब रियलिटी शोज़ को फॉलो करती हैं? काफ़ी OTT को फॉलो करती हूँ, काफ़ी रियलिटी शोज़ को भी फॉलो करती हूँ बिकॉज आई बिलीव ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एंटरटेनिंग. OTT एंड रियलिटी, OTT तो इज माई गॉड, देर इज नो लिमिट टू OTT नाउ. इतना ब्यूटीफुल कॉन्टेंट है उस पर. सो या ब्यूटीफुल वर्क, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू सो मेनी एक्टर्स आउट देयर. खतरों के खिलाड़ी को आप फॉलो कर रही हैं क्या? हाँ करती हूँ ना, बिल्कुल करती हूँ. तो किसे सपोर्ट कर रही है? अभी फिलहाल जो शुरू हुआ है वो नहीं, अभी तक मैं अप टू डेट हूँ उस पर बिकॉज शूट की वजह से अब तक मुझे उसको फॉलो करने का मौका नहीं मिला है. बट होपफुली व्हेन आई स्टार्ट वॉचिंग इट, आई एम गोना बी हुक्ड टू इट. सो थैंक यू सो मच मैम. फर्स्टली तो आप कितना एक्साइटेड है इस अवार्ड फंक्शन के लिए? मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की. थैंक यू सो मच. एक वर्ड में अगर आपके लुक को क्या कहना चाहेंगे, एक वर्ड में अपने लुक को आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से इट्स दिस इज मी एंड दिस इज आई थिंक समथिंग दैट गोज विद माय पर्सनालिटी, समथिंग दैट आई कैन कैरी विद अ लॉट ऑफ ईज. व्हाट्स वन थिंग यू लव अबाउट रेड कारपेट एंड यू डोंट? अबाउट रेड कारपेट? Yeah. I think it's great energy a lot of happiness and excitement around. What you don't like about red carpet? I can't say what I don't like. I think I like everything about it. Like, this is the excitement everybody lives for, right? Kaisa lagta hai ek aise show ka part hone mein jo hamesha se TRP mein number 1 rehte hain? Dekhiye, mujhe ye kehna bahut mushkil hai ki mujhe kaisa lagta hai. Mujhe sirf ye lagta hai ki hum log bahut blessed hain. I think it has been one of the biggest blessings of our lives that we become a part of a show that has become a cult. It has become a rage across the globe, not just in India, and people are loving every bit of our show for last 3 years. कभी burden महसूस हुआ है? मतलब इतना popular show है आपका, तो कभी ऐसा लगा है नहीं हमें ये करना है, ये नहीं, ये करना है, ऐसा करना चाहिए? I just go with the flow because show mein as a character it has been a very it's not an author backed role, so for me it has been a roller coaster ride because I've had a field day playing this role because I am absolutely free to do whatever I want to with the character, which is why even after 3 years I am not bored playing it. कोई रियलिटी शो को आप फॉलो करते हैं?
जी नहीं, रियलिटी शोज नहीं देखता मैं। अगर आपको इन फ्यूचर खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस मिले तो आप किसे प्रिफर करेंगे? मैं रियलिटी शोज नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम बिल्ट फॉर इट, सो आई डोंट थिंक आई विल बी, आई लाइक टू वॉच बट डेफिनेटली नॉट बिग बॉस, आई डोंट लाइक टू वॉच बिग बॉस बिकॉज दैट्स नॉट माई टाइप, बट खतरों के खिलाड़ी यस डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू वॉच बिकॉज देयर पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू ओवरकम देयर फियर। लास्टली अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं? मुझे उनको सिर्फ यही कहना है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग वहाँ पे हैं जहाँ पे हैं, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।